मैं हसीबुल्ला इंस्पेक्टर ट्रैफिक मीर चौक अपने एसआई मल्लया और एसआई अनुराधा और स्टाफ के साथ सीनियर ऑफिसर इंस्ट्रक्शन के मुताबिक चंपापेट एमएनआर गार्डन के पास स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें जो भी ड्रंकन ड्राइव यानी टू व्हीलर फोर व्हीलर थ्री व्हीलर जो भी व्हीकल है वो शराब पी के जो भी ड्राइवर चला रहे हैं गाड़ी, उसको ऑनरेबल हाई कोर्ट के फैसले के हिसाब से वो गाड़ी को जो है, अगर ड्राइवर के पास जो भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं उनके पास ओरिजिनल आरसी है और जो भी पीछे बैठे हुए दोस्त के पास अगर लाइसेंस है तो गाड़ी को जब भी रिलीज़ किया जा रहा है, अगर उनके पास आरसी नहीं है, कुछ पीछे सवारी भी नहीं है, तो ऐसे गाड़ियों को पुलिस स्टेशन में रखकर अपने कस्टडी में लेकर सुबह में प्रोड्यूस करने के बाद रिलीज़ किया जा रहा है। मैं तमाम गाड़ी चलाने वालों से अपील करता हूं कि वो शराब पी के गाड़ी मत चलाइए। अगर आप शराब पिए हैं तो अपने दोस्त को दीजिए जो शराब नहीं पिया उसको गाड़ी चलाने के लिए, क्योंकि आजकल बहुत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, आप न्यूज़ में पढ़ रहे हैं और अखबारों में भी पढ़ रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं, शराब पीने की वजह से बहुत से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और बहुत से अमवात हो रहे हैं। गवर्नमेंट का यही नज़रिया है कि जो भी अमवात हो रहे हैं उसको उसकी रोकथाम की जाए, क्योंकि किसी की भी जान जाती है तो उसकी फैमिली जो है पूरी परेशान होती है। हमारा मकसद यही है कि सेफ ड्राइव करें और अपना भी ख्याल करें और जो भी रोड पे चल रहे हैं उन लोगों का भी ख्याल करें, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और जो भी शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं उनको कोर्ट में जो है पहली मर्तबा 10,500 कोर्ट जो है फाइन इम्पोज कर रही है। अगर दूसरी मर्तबा फिर मिले तो उन्हें जो है 3 दिन 4 दिन के लिए जेल भी हो सकता है और फाइन भी है 16। और तीसरी बार कोई शराब पी के मिले उसी साल तो उनको 1 हफ्ते के लिए भी जेल हो सकती है। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करता हूँ कि शराब पी के गाड़ी मत चलाइए, और स्पेशली मैं पेरेंट्स से भी अपील करता हूँ कि वो अपने बच्चों को, जो माइनर बच्चे हैं उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वैसे बच्चों को गाड़ी मत दीजिए, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है,
कि बच्चे जो है बगैर पेरेंट्स के इंफॉर्मेशन के गाड़ियां जो है ट्रिपल राइडिंग चला रहे हैं और रैश ड्राइविंग कर रहे हैं, ऐसे गाड़ियों को भी हम जो है केसेस मोटर व्हीकल एक्ट के तहत केसेस बुक कर रहे हैं। ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को कंट्रोल में रखें, अपने बच्चों की हिफाजत करें और जो है रातों में और दिन में बगैर डॉक्यूमेंट्स के बगैर लाइसेंस के बच्चों को गाड़ी मत दीजिए।